ना 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 ना, एक सेकेंड, वो क्या चीज है? ये क्या है यार? ओए ये क्या चीज खुल गई? व्हाट, ये क्या चीज है यार? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाले पिकैक्सेस है। ओ यार ये सब चीजें तो मेरे पास भी, ये वाली पिकैक्स में क्राफ्ट कर सकता हूँ। ओके सो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पर रखना है, ये यहाँ पर, और ये कुछ यहाँ पर। डायमंड टनल स्ट्रीम। ओके सो ये एक पिकैक्स है ना, मतलब कि मुझे इसे माइन करना पड़ेगा ना। तो व्हाट, ओके सो आ चुके हम हमारे वर्ल्ड में। तो फटाफट से पहला काम, सबसे पहले ट्री ग्राइंड करना स्टार्ट कर लेते, क्योंकि ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टिक्स बनाने के लिए तो ट्री इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक वीडियो में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन ट्रीज को लेके हम एक बहुत ही ज्यादा औसम सी चीज क्राफ्ट कर सकते हैं, जो की है पिकैक्सेस। और पिकैक्सेस क्यों क्राफ्ट करने है वैसे? वेल, आज के वीडियो का टाइटल यही है कि हमें बहुत ज्यादा ओपी ओपी वाले पिकैक्सेस क्राफ्ट करने। तो फटाफट से थोड़े से ज्यादा इस ट्रीज लेने वाले हूं मैं आज, क्योंकि बाद में हमें कमी नहीं पड़नी चाहिए ट्रीज की, इसलिए मैं बहुत सारे ट्रीज ग्राइंड कर रहा हूं यहां पर से। तो वीडियो का टाइटल तो आपने रीड कर लिया होगा कि आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, बट देयर आर कस्टमली ओपी पिकैक्सेस। ओके सो फटाफट से इस ओक लॉक को कन्वर्ट करके लेते हैं ओक प्लैंक्स पे, और इससे बनाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्राफ्टिंग टेबल। बूम। ओके सो यहां पर मुझे पता नहीं हम कैसे कैसे पिकैक्सेस क्राफ्ट कर सकते हैं, तो हमें खुद से वो ढूंढना पड़ेगा कैसे हमें पिकैक्सेस क्राफ्ट करने, तो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है ये। ओके सो मैं थोड़ा सा सरफेस स्टोन ढूंढ रहा हूं अभी, क्योंकि हमें स्टोन की जरूरत है, क्योंकि उससे एपिक वाले टूल्स बनते हैं ना हमारे। लेकिन यार मुझे यहाँ पर कहाँ पर भी सरफेस स्टोन नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर रिप्लेस करो इस क्राफ्टिंग टेबल को, और पहले तो बना लेता हूँ मैं कुछ स्टिक्स, और इससे बना लेंगे हमारी सबसे ज्यादा ऑसम चीज, वुडन पिकैक्स। बूम। और अब फटाफट से स्टोन माइन करना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पर हमें स्टोन भी मिल चुका है, फटाफट से थोड़ा सा स्टोन माइन करते हैं और चलते हैं यहाँ से, और ये आखिरी। ओके सो हमने इनफ स्टोन माइन कर लिया, फटाफट चलते हैं अब ऊपर। ओके सो फटाफट से बना लेते हैं अपने वो कुछ स्टोन के टूल्स। ओके सो फटाफट से उठाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और पहले तो मुझे कुछ शीप्स की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि उससे भी हम शायद से एक पिकैक्स क्राफ्ट कर सकते हैं। देखेंगे हम, पहले तो मुझे शीप्स दो यार। ओ यस, मुझे यहाँ पर एक शीप मिल चुकी है, इधर ये। बूम। ओके सो हमारे पास यहाँ पर से आ चुका है 3 white wool। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से थोड़ा सा मैं स्टोन माइन कर लेता हूँ, और पहले ही माइन कर लेना चाहिए था मुझको, लेकिन क्या यार मैं भूल ही जाता हूँ हमेशा, इसलिए फटाफट से यहाँ पर से थोड़ा सा स्टोन माइन कर लेते हैं। ओ यस ऑसम यार, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कोल भी मिल चुका है, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम बात है। फटाफट से कोल भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके सो बहुत सारा कोल मैंने माइन कर लिया, फटाफट चलते हैं बाहर, प्लेस करो इसे। बूम। और मैं जैसा हमेशा 3 वीडियो से लगातार ये करते आ रहा हूं, तो आपको पता चली गया रहेगा, अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देखो यार, बहुत ज्यादा ऑसम थे वो वीडियोस। ओके सो यहां पर अब मैंने ये दोनों फर्नेस लगा दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसमें जाना है, और यहां पर मुझे जो है अपना ये जो कॉबलस्टोन है वो स्मेल्ट करके ले लेना है। जी हाँ, और वैसे यहां पर जो थोड़ा सा कोल लेते हैं हम, और यहां पर हमारा ये मीट भी स्मेल्ट करके डाल लेते हैं, क्योंकि स्टीव को हमेशा की तरह इस बार भी भूख लगी है। भुक्कड़ भूख के मारे नहीं मर सकता है। ओके खाना दो यार, ये भुक्कड़ मर जाएगा नहीं तो। फूड इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ओके सो और एक स्टोन का वेट करते हैं हम, और इसे हमें और एक बार स्मेल्ट करना पड़ेगा। बहुत काम है यार, तुम लोग लाइक ही नहीं करते वीडियो को इतनी मेहनत करके भी। लाइक करो यार, और लाइक कर लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, मजा आएगा, हमेशा चालू हो जाता। ओके तो हमारा स्टोन हो चुका है स्मेल्ट, फटाफट से निकालते हैं एक मटन अपना, और यहाँ पर वापस से स्टोन जो स्मेल्टिंग को डालते हैं, जब तक हम हमारा एक बेड क्राफ्ट करके ले लेते हैं। बूम। तो यहाँ पर हमारा स्टोन हो रहा है अभी, फटाफट से वेट करते पूरा स्टोन स्मेल्ट होने का। और ओके तो हमारे 3 smooth stone आ चुके हैं, मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक और एक मुझे क्राफ्टिंग टेबल बना लेना है, और इसे रखना है बीच में, और यहाँ पर नीचे रखना है मुझे स्मूथ स्टोन, और मुझे इधर ऊपर से इसे कुछ ऐसा कवर कर लेना है। तो बूम, हमारे पास आ चुकी है एक नॉलेज बुक, और इसे लेने के बाद बूम, हमारे पास आ चुका है एक कस्टम क्राफ्टर। तो यार ये मैं पिछले 2 वीडियो से बनाता आ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑसम चीज है, इससे हम कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से इसे प्लेस करते हैं यहाँ पर। बूम। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं सब लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, मैं आपको बताता हूँ अभी। फटाफट चलते हैं अभी बाहर, यहाँ पर मुझे कुछ शेप्स की जरूरत पड़ने वाली है। एक बेड तो आ चुका है हमारे पास, और हमें कुछ शेप्स मारने पड़ेंगे, और हम हमारी क्राफ्ट कर सकते हैं पहली स्वॉर्ड, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है। ओए वो कैसा आइलैंड है, बस 2 ट्री है वहां पर, वैसे पानी कहाँ मिल रहा है उन ट्रीज को, है बिना पानी के ये ट्रीज ग्रो कैसे कर रहे हैं यार? माइनक्राफ्ट के फिजिक्स लॉजिक यार बहुत घटिया है यार। ओके सो यहाँ पर मैं एक प्लेन्स बायोम में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे शायद से शिप्स ज्यादा मिल सकते हैं। ओ ये सामने ही शिप्स यार, शिप्स की बात करें तो फटाफट चलते हैं शिप्स के पास। हेलो यार, पूरा खानदान मारने वाला हूँ मैं तुम्हारा आज। बूम म्याऊ बू। ओके तो 4 शिप्स मार लिए हमने, और 2 शिप्स की जरूरत है मुझको। यहाँ पर मिल चुके हैं मुझे शिप्स, फटाफट चलते हैं अब यहाँ पर। इधर आ बेटे,
बूम ही। ओके तो हमारे पास आ चुका है 6 वूल। तो फटाफट से यहाँ पर लेते हैं हम हमारा क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पर प्लेस करो इसे, और यहाँ पर से हम बना के ले लेते हैं 2 बेड बन सकते हैं इससे। यार मैं भूल ही गया था, शिट यार, और थोड़े से बेड्स की जरूरत है, मुझे शिप्स मारने पड़ेंगे, जरा कत्ल करना पड़ेगा मुझे शिप्स का। ओए वहां पर एक विलेज है यार, ऑसम, वहां पर से मुझे वूल शायद से मिल सकता है यार। फटाफट चलो, वहां पर मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अभी फटाफट से वो विलेज लूट कर आते हैं। विलेज दिखा और विलेज नहीं लूटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ओ यहाँ पर थोड़े से केव्स भी, हम इन केव्स में भी जा सकते हैं हमारे हमारे ऑसम वाले पिक एक्सेस को टेस्ट करने के लिए। ओके सो फटाफट से बताओ क्या है तुम्हारे पास। इतने सारे एप्पल्स यार, मो एप्पल्स वाली वीडियो में नहीं देते। ओ बेड्स, यस यार हमें विलेजेस से बेड्स मिल सकते हैं। यार मेरा दिमाग तो चला ही नहीं यार, फटाफट चलते, मुझे व्हाइट बेड्स की जरूरत है शायद से, और इन लोगों के पास तो सिर्फ येलो ही बेड्स है यार। आर यू किडिंग मी। ओ हेलो आयन गोलम, क्या चल रहा है? फिर रुको, आ रहा हूं तुम पर आता हूं मैं। और एक येलो बेड यार। ओ यस फाइनली यार, एक व्हाइट बेड मिल चुका है हमें। ओके तो 4 बेड्स हो चुके हैं हमारे पास, हमें कुछ 6 कितने बेड्स की जरूरत है पता नहीं मुझको। एक सेकंड यार, मुझे बस 3 बेड्स की जरूरत थी, मैं यहाँ पर बेड्स क्यों लूटते बैठा हूँ, बस मुझे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर लेना है ये कस्टम क्राफ्टर और यहाँ पर रखना है इसे, बूम। तो अब मुझे यहाँ पर रखनी है एक स्टिक, बूम बूम, और यहाँ पर मुझे 3 बेड्स को कुछ ऐसा लाइन अप करना है। एंड ये हमारे पास आ चुकी है एक पिलो पिकैक्स जिस पे लगाए सिल्क टच। भाई ये तो बहुत ज्यादा औसम बात है, मतलब अब जो भी ब्लॉक माइन करके ना भाई, वो हमें सिल्क टच से मिलने वाला है। ओके सो ये मेरी स्टोन पिकैक्स के जैसी है, तो मैं अभी उसका यूज नहीं करने वाला, फटाफट से ये जो है पूरा हेबल्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि यार विलेज में और विलेज को नहीं लूटा ये तो हो ही नहीं सकता। तो फटाफट से पूरे हेबल्स कलेक्ट करते हैं हम। क्या खाते है ये वैसे भी, हमारे लिए रखते हैं बाहर, हम लोग आके लूट के जाते हैं इसे। और हाँ, अगर आपको ये मॉड डाउनलोड करना है तो आप मेरे भाई के चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर विजिट कर लेना। और एक काम बचा है अभी, ओए वहां पर एक ब्लैकस्मिथ भी है। ओ यार मैंने देखा ही नहीं, फटाफट जाके वो लूटते ब्लैकस्मिथ, लूटा हम लाठी करने तो आता हूं विलेज में मैं, और वो भी नहीं करूंगा था, क्या ही हो गया। ओके तो फर्नेसेस भी कलेक्ट कर लेते हैं यहां पर से, फ्री के फर्नेसेस कौन छोड़ता है भाई। ओके तो फर्नेसेस भी आगे, चलो अंदर, और इस चेस्ट में प्लीज यार डायमंड रहे, प्लीज यार। ओके सो खोलते इसे, बूम। ओ डायमंड तो नहीं है, लेकिन हमें 6 ऑब्सिडियन मिल चुके, और ये एक लेगिन भी, और इतने सारे एप्पल्स यार। मोर एप्पल की वीडियो में मुझे एक भी एप्पल नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर एप्पल से एप्पल है। हाँ दे भाई रहने दो, अब क्या ही कर सकते हैं, फटाफट चलते हैं, अभी ये चड्डी पहन लेते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। और अब वह वक्त आ ही चुका है, मर, ओ यस मर चुका है ये। एंड हमारे पास आज गया है 4 आयरन यार, नाइस यार, इतना बुरा भी नहीं है। ओके ओके सो नेक्स्ट पिकैक्स को क्राफ्ट करने के लिए मुझे एक आयरन ब्लॉक लगने वाला है, तो मुझे बहुत सारी माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चलो अंदर। यार ये विलेज में और कुछ अच्छा नहीं मिल सकता है यार मुझको, इतनी चीजें रहते हैं विलेज में। ओके सो फटाफट चलते हैं हम माइनिंग पे। ओके सो यहाँ पर हमें वो माइन भी मिल चुकी है जो हमने पहले देखी, तो फटाफट से चलते इस माइन पर। यहाँ पर मुझे बस आयन की जरूरत है यार, बहुत सारा आयन चाहिए, प्लीज आयन दे। ओ यस वहाँ पर थोड़ा सा आयन है, फटाफट चलो वहाँ पर, इधर वाटर में छलांग मारी मैंने, और अब चलो यार फटाफट से पूरा आयन माइन करते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ आयन माइन सेशन के बाद एक अच्छे से। ओके सो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा आयन माइन कर लिया, फटाफट से निकाल लेते हैं अपने फर्नेसेस, और यहाँ पर ये जो आयन है स्मेल्ट करके ले लेते हैं। यार ये पिलो पिकैक्स एक बार टेस्ट कर लेते हैं ना, वैसे बहुत स्लो है पिलो पिकैक्स, और यस यार हमें इससे कोल और मिल रहा है। तो फटाफट से देखते हैं, हमारे यहाँ पर आयन जो स्मेल्ट हो चुका है बहुत सारा, यहाँ पर मैंने सभी आयन स्मेल्ट कर लिया है। अब फटाफट से मैं निकालता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, और पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसे टर्न करके लेने वाला हूँ एक ब्लॉक ऑफ आयन में, और अब बस मुझे यहाँ पर जो है अपना एक कस्टम क्राफ्टर भी प्लेस करना है, बूम। और यहाँ पर मुझे एक शवेल की भी जरूरत पड़ने वाली, तो फटाफट से एक शवेल बना लेते हैं, यहाँ पर रखूंगा मैं इसे, बूम, और यहाँ पर बन गई हमारी शवेल। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रखनी इस शवेल को, यहाँ पर नीचे रखना एक स्टिक, यहाँ पर दोनों साइड रखने है मुझको आयन इंगट, और ऊपर रखना है मुझे एक ब्लॉक ऑफ आयन, बूम। हमारे पास आ चुकी है एक माइनर्स पिकैक्स, और ये क्या करती है आपको पता है? वेट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। और अगर मैं इस माइन करूँ ब्लॉक को, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिप माइन बनने वाली है जी, और ये 3 ब्लॉक्स को माइन करती है। ये देखो यार, मतलब कि हमें डायमंड्स बहुत ही ज्यादा इजीली मिलने वाले, मतलब कोई भी चीज हमें बहुत ज्यादा इजी मिलने वाली है। ओके सो हम इस पर जो है एंचेंट्स भी लगा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा औसम बात है वो। फिलहाल तो अब क्या करते हैं, हम फटाफट से अपनी चीज उठा लेते हैं। एक सेकंड यार, मैं पहले तो एक वाटर बकेट बना लेता हूँ, और एक शील्ड भी बना लेते हैं, क्योंकि यार प्रोटेक्शन इज नेसेसरी ऑलवेज। ओके सो जो पिकैक्स है ना, और 3x3 के फॉर्म में माइन नहीं करती है। ओ यार ये केव बहुत ज्यादा बड़ी है, और मुझे यहाँ पर ये डीप स्लेट स्टोन भी मिल चुका है। ओके तो यहाँ पर मुझे रेड स्टोन भी मिल चुका है थोड़ा सा, जो कि हमें काम आ सकता है आगे चलकर एक और एक पिकैक्स को क्राफ्ट करने के लिए। पहले तो ऊपर से मैं जो है वाटर लेके आ रहा हूँ, ये बूम ले लिया मैंने वाटर, चलो सीधा नीचे अब। ओके सो यार नेक्स्ट पिकैक्स को क्राफ्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे नेदर राइटिंग गट्स की जरूरत पड़ने वाली है, और वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं लेने के लिए, लेकिन भाई फिकर व्हेन शायाज इज हियर। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ज्यादा स्टूपिड सी चीज करने वाला हूँ, लेकिन वो
बहुत ज्यादा सेंस बनाती है और ये है भी चीज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फटाफट से रखता हूँ इस कस्टम क्राफ्टर को यहाँ पर, बूम। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा, यस, मेरे पास यहाँ पर कोल भी है, मुझे कुछ नहीं करना, बस ये जो अपना आयरनिंग गटर है मुझे यहाँ पर रखना है, इसे बूम, और यहाँ पर रखना है मुझे कुछ कोल। वॉट, हमारे पास आठ नेदरराइटिंग गट आ चुके हैं। बोला था ना यार ये बहुत ज्यादा स्टूपिड लग सकती है, लेकिन यार ये वर्क करती है क्योंकि ये डेटा पैक ऐसा ही कुछ बना है। तो आई गेस कि इसने हमारी नेदरराइटिंग गट वाली समस्या को सॉल्व कर लिया है, बस अभी हमें डायमंड ढूंढने की जरूरत है और कुछ नहीं। ओके, तो फटाफट से उठाते हैं अपना एक कस्टम क्राफ्टर और चलते हैं यहाँ से। अब तो यहाँ पर मुझे पहले तो थोड़ी सी माइनिंग पे जाने पड़ेगा, और आई गेस कि ये कुछ ज्यादा इतनी हार्ड नहीं है क्योंकि हमारे पास है ये ऑसम वाली माइनर्स पिकैक्स। फटाफट से इस माइनर्स पिकैक्स को यूज करते हैं और फटाफट चलते हैं कुछ डायमंड माइनिंग के लिए। 2000 years later. ओके, सो यहाँ पर मैंने बहुत सारी माइनिंग कर ली है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो हमने कितनी सारी माइनिंग कर ली है। तो अब वक्त आ चुका है हमारे और एक पिकैक्स को क्राफ्ट करने का। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा अपने लिए फर्नेस रखने का जगह बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने बना लिया। अब बस रखते हैं यहाँ पर अपने चार फर्नेसेस को। चार क्यों यार, हम बहुत सारे फर्नेस क्राफ्ट कर सकते, तो और मैं चार फर्नेस यहाँ पर क्राफ्ट करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने और चार फर्नेस क्राफ्ट कर लिए, यहाँ पर ये भी प्लेस कर लेते हैं। और अब बस यहाँ पर मेरे पास जितना भी आयरन है ना भाई, मैं वो सब स्मेल्ट करके ले लेने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 33 आयरन इंगट। तो फटाफट से हम इस आयरन इंगट से क्राफ्ट करके ले लेते हैं कुछ ब्लॉक्स, बूम। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 3 ब्लॉक ऑफ आयरन आ चुके हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस लेना है कस्टम क्राफ्टर को, रखना है इसे यहाँ पर, और बस मुझे रखने है ब्लॉक ऑफ आयरन यहाँ पर, बूम बूम बूम, और यहाँ पर स्टिक को बूम बूम। तो हमारे पास आ जाएगी एक टनलर्स ड्रीम। और यार ये जो पिकैक्स है ना भाई, कुछ साधारण पिकैक्स नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑसम माइनिंग करती है। ओके, तो फटाफट से इस पिकैक्स को टेस्ट करते हैं। तो अगर मैंने इसे माइन किया कुछ ऐसा, व्हाट यार, ये तो कुछ 4 ब्लॉक्स माइन कर रही है भाई, ये कितना ज्यादा ऑसम है। ये देखो यार, 4 ब्लॉक्स माइन कर ले रही है ये एक ही बारी में, और ये कुछ ज्यादा स्पीडी भी है यार, ये कितने ज्यादा स्पीड से माइन कर रही है ब्लॉक्स। ओके, सो अब चलो फटाफट से आ रही है टनलर्स ड्रीम से माइन करके। ये देखो यार, ये कैसा माइन कर रही है, एकदम पूरे ये 6-9 ब्लॉक हटा रही है यार। ब्लॉक ऑफ आयरन कहां तो काम आया यार, ये देखो। ओके, सो यहाँ पर मैंने बहुत सारा माइन किया यार, वो देखो वहां पर और भी ज्यादा पीछे माइनिंग की है मैंने, और यहाँ पर मेरे पास 26 डायमंड्स आ चुके हैं यार, बहुत देर से माइन कर रहा हूं मैं। ये देखो यार, दोनों पिकैक्स की हेल्थ कितनी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन मैं और भी माइन करने वाला हूँ जब तक मुझे बहुत सारे डायमंड्स नहीं मिल जाते, और ये डायमंड्स मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास कुछ 31 एमराल्ड्स भी आ चुके हैं। तो फटाफट से जो है और भी माइनिंग पे लग जाते हैं यार, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर से और माइनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। फटाफट चलो यार, कुछ तो अच्छी चीजें दो मुझको। ओ यस यार, और एक एमराल्ड यार, कितने सारे चीजें मिल रही है मुझको। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो टनलर्स ड्रीम वाली जो पिकैक्स है ना, वो हो चुकी है ब्रेक। अब बस यही बची है, तो इसको भी ब्रेक कर ही लेते हैं अब। ओके, सो यहाँ पर हमारी ये वाली पिकैक्स भी ब्रेक हो चुकी है भाई, बहुत ज्यादा ऑसम पिकैक्सेस हमारे ब्रेक हो चुके हैं। ओके, सो अब टाइम आ चुका हमारे नेक्स्ट पिकैक्सेस को क्राफ्ट करने का। तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस हो चुकी है, जैसे कि मैंने ये बना लिया, ये और ये, और यहाँ पर मैंने जो एक नेदरराइट पिकैक्स भी बना लिया यार। ओके, सो ये सभी बनाता, तो फटाफट से अब हम क्या करते हैं, हमारे जो एक कस्टम क्राफ्ट के और बढ़ते हैं। ओके, सो वो सब छोड़ो यार, अब क्या ही कर सकते हैं, अब हम क्राफ्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वाली पिकैक्सेस। ओके, सो नेक्स्ट पिकैक्स को क्राफ्ट करने के लिए मुझे पहले तो ये डायमंड से बनाने पड़ेंगे कुछ डायमंड ब्लॉक्स, 1, 2, 3। तो यहाँ पर मैंने 3 डायमंड ब्लॉक्स बना लिए हैं, तो अब मुझे जो है और एक नेदरराइट पिकैक्स की जरूरत पड़ने वाली। तो फटाफट से एक जो है हम पहले तो डायमंड पिकैक्स बना लेते हैं। ओके, सो बन चुके हैं डायमंड पिकैक्स, इसे कन्वर्ट करके ले लो एक नेदरराइट पिकैक्स में। और अब बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो है ये रखनी है नेदरराइट पिकैक्स, यहाँ पर नीचे रखना है एक नेदरराइट इंगट, बूम, और ऊपर रखना है मुझे ब्लॉक ऑफ डायमंड, येट। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है एक डायमंड टनलर्स ड्रीम, और ये बहुत ज्यादा क्रेजी पिकैक्स है। तो यहाँ पर वापस से टेस्टिंग साइट पर जाते हैं हमारे वहां पर ऊपर। ओके, तो फटाफट से यहाँ पर जो है माइनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक ब्लॉक यहाँ पर से माइन करूं, तो यहाँ पर ये इतने सारे ब्लॉक तो माइन हो ही रहे, लेकिन यार आप इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा है,
और भाई ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, मतलब अनब्रेकेबल पिकैक्स है ये। और ये सभी चीजें जो भी इसके रास्ते में आती है वो सभी के सभी माइंड करके डालती आ रही है, कितनी ज्यादा औसम है। ओके तो ये मैंने आपको टेस्ट करके बता दिया यार। ये देखो कपल ऑफ सेकंड्स में हम यहाँ से वहां तक पहुंच चुके थे, और यार कुछ ज्यादा ही है, मैंने बहुत ज्यादा माइंड कर लिया है। ओके सो फटाफट चलते हैं अभी। ओके सो नेक्स्ट पिकैक्स को क्राफ्ट करने के लिए मुझे पहले तो एक डेजर्ट टेम्पल ढूंढना पड़ेगा, तो फटाफट से एक डेजर्ट टेम्पल ढूंढते और मैं आपको मिलता हूँ। ओ यस यार हमें यहाँ पर डेजर्ट मिल चुका है, ये देखो यार मेरे सामने, मुझे यहाँ पर प्लीज एक डेजर्ट टेम्पल मिल जाए। ओ यस यार यहाँ पर ये रहा एक डेजर्ट टेम्पल, फटाफट चलते इस डेजर्ट टेम्पल पे यार, कहाँ से कब से ढूंढ रहा था मैं। ओके सो फटाफट चलो अंदर। ओके आ चुके अंदर, ये तोड़ो फटाफट से, ये भी तोड़ो, और बस मुझे यहाँ पर से जो है TNT की जरूरत है, तो फटाफट से TNT जो है वो माइन कर लेते हैं। कितने है ये 8 TNT, बहुत हो गए यार ये। ओके सो फटाफट चलो ऊपर। ओके सो आ चुके ऊपर, फटाफट चलते बाहर। ओके सो मुझे TNT कौन से पिकैक्स के लिए यूज करना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यार, बहुत ज्यादा औसम पिकैक्स है। ओके सो अब मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर अपना जो कस्टम क्राफ्टर है वो लेना है, और यहाँ पर रखना है इसे बूम, और बस यहाँ पर मुझे जो है ये स्टिक्स कुछ ऐसे रखने है, और लेना है TNT, इधर रखना है ये। तो मैं मिल चुके ये एक TNT पिकैक्स, और इससे क्या होने वाला है पता है आप लोग को? तो अगर मैं यहाँ पर ये कॉबलस्टोन माइन करूँ तो What? इसने तो हमें भी फोड़ दिया यार। ओके तो यहाँ पर हम कहाँ पर आ चुके हैं, और लकीली मेरे पास मेरा पूरा आइटम है, तो यहाँ पर वापस से करते हैं ये। ओ यार वापस से मर गए हम यार, मतलब कि कोई भी चांस नहीं कि इसे मैं यहाँ पर यूज करूँ और मैं मर ना सकूँ, लेकिन यार मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ बिना मरे ये यूज करने का। तो यहाँ पर प्लेस करो ये वॉटर, अब मैं यहाँ पर माइन करूंगा। ओ यस यार वाटर से बच सकते हैं हम। ओके सो नेक्स्ट पिकैक्स क्राफ्ट करने के लिए यहाँ पर रात भी हो चुकी है लकीली, पहले तो मैं अपना आर्मर बनाने वाला हूँ आयरन का। ओके सो फटाफट चलो यार, यहाँ पर मुझे कुछ क्रीपर्स की जरूरत पड़ने वाली है और कुछ नहीं। ओके सो यहाँ पर मुझे बस क्रीपर्स की जरूरत है, और यहाँ पर पूरे मॉब्स मेरे पीछे लग रहे हैं यार। क्रीपर्स किधर हो? उस माउंटेन पर शायद से बहुत सारे क्रीपर्स स्पॉन हो गए, फटाफट चलते उस माउंटेन पर देखते हैं कहाँ पर क्रीपर्स है क्या वहाँ पर। ओ यस यहाँ पर क्रीपर्स है, मुझे ये क्रीपर फोड़ना नहीं है यार। ओके हेलो क्रीपर, आ जा इधर प्लीज फटवत। ओके ओके मैं थोड़ा दूर। ओ यस मार दिया मैंने, और यहाँ पर से मुझे कितना गन पाउडर मिला है अभी? 2 गन पाउडर। यस यार और गन पाउडर की जरूरत है। यहाँ पर एक और एक क्रीपर देखा है मैंने, यहाँ पर भी है। 2000 years later। फटाफट चलो यार नीचे। ओके सो आ चुके हैं, मिर्च पानी में लैंड किए, अब बस मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पर से मुझे बस थोड़े से शुगर केन की जरूरत है। ओ यस वहाँ पर शुगर केन है, फटाफट जाके वो शुगर केन जो है कलेक्ट करके आते हैं। ओके सो आ चुके, फटाफट से लेते हैं शुगर केन। ओके सो फटाफट से लेते हैं अपना एक क्राफ्टिंग टेबल, और इस शुगर केन को कन्वर्ट करके ले लेते हैं पेपर्स में। बूम, ओ यार 6 हो चुके हैं। ओके तो फटाफट से बना लेते हैं अपना फायरवर्क्स। यस यार बूम, यार ये कुछ ज्यादा फायरवर्क्स बन गए, मुझे इतने नहीं चाहिए थे, मुझे पता ही नहीं था। ओके अब हमारा वो कस्टम क्राफ्टर किधर है? ओके सो ये रहा हमारा कस्टम क्राफ्टर, फटाफट चलो इसे करो प्लेस। और अब मुझे स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर रखो स्टिक्स को, और यहाँ पर इन फायरवर्क रॉकेट्स को, और हमारे पास आ चुका है एक फायरवर्क पिकैक्स। और आपको पता है अभी क्या होने वाला है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अगर मैं कौन सा भी ब्लॉक इससे माइन करूं, जैसे कि ये वाला स्टोन, ओ भाई ये फटने वाला है यार, मतलब मुझे डैमेज होता रहेगा। ओ यार ये ऑसम दिख रहा है यार, लेकिन अरे यार ये तो मर ही जाऊंगा मैं डैमेज से, ये तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी स्वॉर्ड है, सॉरी पिकैक्स है। ओके सो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कौन सा मॉड मुझे ट्राई करना चाहिए, और आपको कौन सी सबसे ज्यादा ऑसम पिकैक्स लगी। अगर ये मॉड चाहिए तो मेरे भाई के चैनल को विजिट कर सकते हो, और उधर जाके सब्सक्राइब भी कर देना। और इस वीडियो पर चाहिए मुझे 75 लाइक्स, तो जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।